हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और H2O के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं H2O की। जब हमने ऊपर H2O की बात की है तो थोड़ा सा H2O के बारे में जान लेते हैं, क्लियर। H2O हम किसको बोलते हैं बताइए, किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है, क्लियर, पानी का। अब मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन कैसी गैस है? ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है। हाईली इनफ्लेमेबल गैस मतलब क्या, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अति ज्वलनशील। अति ज्वलनशील मतलब बहुत जल्दी क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है, अति ज्वलनशील। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसी होती है? ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है, अति ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? आग जलाने की प्रॉपर्टी, ठीक है, आग जलाने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत जल्दी जल जाती है और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आग लगाने का काम करती है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होना चाहिए? जल जाना चाहिए, पर ये जलते नहीं हैं, ठीक है, उल्टा क्या बना लेते हैं ये दोनों मिलकर? H2O बना लेते हैं, पानी। और पानी क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है, करता है कि नहीं करता है? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन जो कि अति ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आग लगाने का काम करती है, फायर करने का काम करती है, तब भी फिर भी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और वाटर क्या करता है? जस्ट उल्टा काम करता है, मतलब आग को बुझाने का काम करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वाई? आपको मुझे इसका आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा घर में मोमबत्ती जलते हुए, देखा है कि नहीं, ठीक है। ये एक मोमबत्ती है, करेक्ट, मोमबत्ती जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि इसको हवा से क्या प्राप्त हो रही है, क्या चीज़ मिल रही है? इसको ऑक्सीजन मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। अब अगर इस मोमबत्ती को बुझाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक ग्लास रखते हैं, ठीक है। जैसे हम इसे ग्लास से ढकेंगे तो क्या होगा? मोमबत्ती क्या होगी, सॉरी, मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? और क्यों बुझेगी? इसका कारण ये है कि जब तक हम ग्लास नहीं रखते हैं तब तक मोमबत्ती को जलने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलती है, पर जैसे ही हम उसको ग्लास से ढांक देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, क्या, मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब हम देखेंगे कि फॉर एनी टाइप ऑफ फायर, ठीक है, किसी भी टाइप की आग को जलाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की फायर के लिए, किसी भी प्रकार की आग जलाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। उनमें से पहला है ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा है आपका फ्यूल, और आपका इनफ्लेमेबल सोर्स। इनफ्लेमेबल सोर्स, ठीक है, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए आग लगाने के लिए। जिस चीज़ में आग लगेगी वो फ्यूल चाहिए, और जिसकी मदद से आग लगेगी वो इनफ्लेमेबल
सोर्स चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आग जलाने के लिए कौन सी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड इनफ्लेमेबल सोर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। चलो अब आगे देखते हैं। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनेगा। केमिकल चेंज वो रिएक्शन होती है जिसमें हम रिवर्स रिएक्शन को नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी मेथड को रिवर्स नहीं कर सकते, जस्ट उल्टा या ऑपोजिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने आटा मारा, ठीक है, और आटे से क्या बना दी, रोटी बना दी, ठीक है, तो आटे से रोटी तो बन गई, पर क्या रोटी से आटा बन सकता है वापस, नहीं बन सकता, ठीक है। आटे से अगर एक बार रोटी बन गई तो रोटी में से आटा नहीं बन सकता, मतलब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन कैन नॉट बी, वी कैन नॉट रिवर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, करेक्ट। अब देखते हैं फिजिकल चेंज, तो ऐसी रिएक्शंस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए आपका आइस हो गया, करेक्ट, आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें तो क्या बन जाएगा, ये आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा या नहीं, होगा, ठीक है। अब यही वाटर अगर हम बॉइल कर दें गैस पे रखकर तो क्या हो जाएगा, ये वेपर बन जाएगा, ठीक है, या वाष्प बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, ये हो गई एक रिएक्शन। अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, अगर मैं वाटर को फ्रिज में रख दूँ, फ्रीज कर दूँ, तो क्या वापस आइस बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं और वाटर से आइस बना सकते हैं, क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर बनता है, लेकिन इसी वेपर को अगर हम प्लेट रख के या कोई बर्तन रख के ढाँक दें तो वापस से क्या बन जाता है, ये ठंडा होकर वाटर बन जाता है। आपने घर में देखा होगा अगर चाय उबल रही है या कोई पानी उबल रहा है, अगर आप उसकी प्लेट रहा ढाँक दोगे जाकर, ठीक है, ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी है और यहाँ पे ये गैस चल रहा है, ठीक है, ये बर्नर है, उबल रहा है पानी और ये क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है, करेक्ट। अगर इस वेपर के ऊपर हम इसको प्लेट से ढाँक दें, प्लेट से ढाँक दें, तो क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर कैसे हो जाएंगी, पानी की बूंदें जम जाएंगी, वाटर ड्रॉप्स जम जाएंगे। वो वाटर ड्रॉप्स क्या है, वो वाटर ड्रॉप्स हैं वाटर, ठीक है, जो ठंडा हो गया है, जो पेपर निकल रही थी वो ठंडी होकर वापस क्या बन जाती, वाटर बन जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो वो चेंज जिसमें हम रिवर्स रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें हम रिवर्स रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, करेक्ट। अब केमिकल चेंज का और एक एग्जांपल देती हूँ। आपने सुबह सुबह चाय पी होगी, सबने पी होगी, ठीक है, कैसे बनती है चाय, एक हम पैन रखते हैं गैस में, उसमें चाय पत्ती, शक्कर, पानी, दूध सब डालते हैं, ठीक है, और उसको उबालने के बाद वो चाय बनती है। अब क्या अब चाय को चाय से वापस सब चीज़ें अलग कर सकते हो क्या, शक्कर अलग कर सकते हो, चाय पत्ती, पानी, दूध सब अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसमें कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब हम उसे वापस रिवर्स पुरानी स्टेट में, पुरानी सिचुएशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स के केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, क्या देखेंगे कि केमिकल
रिएक्शन क्या चीज है ना। मैंने आपको बताया कि आटे से रोटी बनाई, अब रोटी को हम वापस आटा नहीं बना सकते क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया है ना, मैंने भी आपको बोला। लेकिन केमिकल चेंज हुआ कैसे, किस वजह से हुआ, या इस केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुनिए, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, पानी, ठीक है, मिल्क, शुगर, वाटर एंड क्या बचा भाई, टी लीफ बचा, ठीक है, टी लीफ। ये सब जब मिक्स होता है और इसको जब हम बॉईल करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है सबके अंदर। और केमिकल रिएक्शन होने से केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, और चेंजेस किस में आते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या बन जाती है, सारी चीज़ें मिलके चाय बन जाती हैं या फिर टी बन जाती हैं, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बैलेंसिंग भी सीखनी है, इसलिए आपको ये पार्ट बहुत ध्यान देकर समझना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ H+O या H2O, वाटर की बात करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखिए H2O का क्या होता है फॉर्मूला, हो गया 2। अब आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने 2 क्यों लगा दिया, H के आगे O के आगे क्यों नहीं लगाया, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, H के नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के पास यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, करेक्ट। तो हमने ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, और हाइड्रोजन के यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम आगे सीखेंगे कि इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जिन भी एलिमेंट, जिन भी सब्सटेंस से मिलकर कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, जिस भी सब्सटेंस से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये दो सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, बनाते हैं, करेक्ट। तो जिस भी चीज़ से मिलकर वाटर बना है, या लेफ्ट हैंड साइड की जो भी चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा कि एरो के लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी, ये एरो बना दिख रहा है आपको, इस एरो के लेफ्ट में जो भी चीज़ें होंगी या जिन भी चीज़ों से मिलकर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है जो एरो की तरफ दिख रहा है हमें, ठीक है, जो एरो की तरफ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में रॉ मटेरियल है, करेक्ट, ये रॉ मटेरियल है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बनकर तैयार हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा, चाय होगा, कि ये सारा मटेरियल रॉ मटेरियल होगा, मिल्क, शुगर, वाटर, टी लीफ, सीधी सी बात है, ये मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। और अगर ये रॉ मटेरियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। और जो भी एरो की दूसरी तरफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा बच्चों के, केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट और राइट को प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर। केमिकल रिएक्शन में बच्चों अगर आपकी डेफिनेशन भूली जाए कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या होती है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस जब मिलकर कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, और जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से या जिससे मिलकर वो बना है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सुनने में थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी लेकिन बहुत ईजी डेफिनेशन है, देखिए अगर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल इसलिए आपको दिया था
H+O और H2O, ठीक है। मतलब क्या डेफिनेशन है, जब दो या दो से ज़्यादा या टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिलकर, ठीक है, या कंबाइन होकर, मिलकर मतलब प्लस कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। नया प्रोडक्ट क्या है, H2O, और बनने वाले नए प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किससे मैच नहीं करती, जिससे मिलकर वो बना है उसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है, H2O की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से क्या मैच करती है, बिल्कुल नहीं करती, है ना। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पर H2O क्या गैस है, ये तो पानी है, ये तो क्या है, वाटर है, लिक्विड में आ गया। अब बताओ H2O की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, हाइड्रोजन से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है, जबकि H2O बना तो इन्हीं से है ना, हाइड्रोजन से भी बना है और ऑक्सीजन से ही बना है मिलकर, लेकिन फिर भी H2O की प्रॉपर्टी किससे अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, कि हाइड्रोजन एक इन्फ्लेमेबल गैस है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। अगर इसकी इन्फ्लेमेबल की बात करूँ मैं हाइड्रोजन के इन्फ्लेमेबल होने की, तो बेटा आप लोग के घर में आप गैस है, गैस पे खाना बनता है, मम्मी लोग बनाती है, तो उसमें जो हम LPG यूज़ करते हैं ना, वो कितना हाईली इन्फ्लेमेबल होता है कि नहीं होता है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। जितनी तेज़ी से हमारी LPG गैस जल जाती है, उससे भी 3 times ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा फास्टर कौन सी गैस चलती है, हाइड्रोजन गैस चलती है, ठीक है। तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन का काम क्या है, आग लगाने का काम है, आग जलाने का काम है, लेकिन पानी का काम क्या है, आग बुझाने का काम है, तो हुई ना प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, ठीक है। तो यही है हमारी डेफिनेशन की ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाए, और उस नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी उन उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जिससे मिलकर वो बना है, ठीक है। तो हम ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया आपको कि क्या है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने एग्जांपल्स हैं या क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में भी प्रोवाइड हैं, जैसे कि आपका मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क किस में बन जाता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है। दूध से दही बनता है, आपने देखा होगा दूध को अगर रूम टेम्परेचर में गर्मी के दिनों में बाहर निकाल के रख दो तो क्या होता है, वो दही जैसा हो जाता है, जम जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं तो कई बार दूध ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है कि नहीं देखा है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना है, ठीक है। अगर लोहा कहीं बाहर रखा है, कोई लोहे की कुर्सी रखी है, कोई लोहे का टेबल रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगने लगता है, लोहे की कील रखी है, तो जंग लगने लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों बोलते हैं, ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा ग्रेप्स, अंगूर से क्या बनती है, वाइन बनती है, ग्रेप्स को सड़ा कर क्या बना लेते हैं, वाइन बना लेते हैं, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अगर हम, ठीक है, डाइजेशन, अगर ह्यूमन डाइजेशन की बात करें, हमारे पेट में जो खाना जाता है वो पचता है, तो क्या वापस पुराना खाना आता है, नहीं आता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस लेते हैं हम, लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, करेक्ट। और जब बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो क्या जादू हो रहा है, कोई जादू नहीं हो रहा, ठीक है। अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है, जिसे ब्रीथिंग कर रहे हैं जो, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, आया समझ आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन के
कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, रिएक्शन के तरीके, ठीक है, या वेज, वे ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला क्या तरीका है, हीट। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है, करेक्ट। एक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ केमिकल रिएक्शन में होता है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम जो भी मेटल्स होते हैं उनकी इम्प्यूरिटीज़ को भी अलग किया जाता है। ठीक है, इसे भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। तीसरा क्या हो गया आपका, सनलाइट। सनलाइट से भी आप में कई बार चीज़ों में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा, प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है, पौधों को। तो पौधों को क्या हम खाना बना के देने जाते हैं, नहीं देने जाते, ठीक है, वो अपना फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सनलाइट में भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। वो पेड़ों को जो भी हम पानी देते हैं, जो भी उनको खाद मिलता है, जो भी उनको फर्टिलाइजर्स जो भी हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, वो सब सनलाइट की हेल्प से क्या बना लेते हैं, उसका फूड बना लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, उसी फूड को वो खाते हैं, क्लियर। और सनलाइट में ही वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो सनलाइट भी एक वे है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर, प्रेशर के थ्रू भी केमिकल रिएक्शन होती है। दबाव जब किसी चीज़ पे बनता है तब भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारा टॉपिक, मतलब मैग्नीशियम रिबन। ये आपकी एक्टिविटी 1.1 है, आप अगर बुक में देखोगे एक्टिविटी 1.1। ठीक है, एक्टिविटी 1.1, क्लियर। इस एक्टिविटी में आपको मैग्नीशियम रिबन के बारे में बताया गया है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा बुक में ध्यान से, अगर आप बुक खोलेंगे तो लिखा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, सैंड पेपर से साफ करना है। ठीक है, सैंड पेपर से क्या करना है, क्लीन करना है। और सैंड पेपर से क्लीन करने क्यों बोल रहा है वो मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नीशियम जब भी हवा में रहता है, ठीक है, कैसे होता है, जब भी मैग्नीशियम कहाँ, हवा में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है, मिल जाता है, और मिलके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है। अगर हमने मैग्नीशियम को थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर रखा, तो जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी उसके साथ फटाक से वो क्या करेगा, जल्दी से फ्रेंडशिप करेगा, और क्या बना लेगा, फ्रेंडशिप करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, इसलिए क्या बोला गया है कि इसको सैंड पेपर से घिस के क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, और क्लीन करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को हमको कहाँ लेके जाना है, बर्नर के पास लेकर जाना है। ठीक है, नियर बर्नर, ठीक है, या बर्नर के पास लेकर जाना है। क्या होगा इससे, जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करके सैंड पेपर से बर्नर के पास लेकर जाएंगे, ये मान लेते हैं ये हमारा बर्नर है। ठीक है, और उसके पास हमने मैग्नीशियम रिबन लेके आए हैं। रिबन को भी कैसे करना है, हाथ से नहीं पकड़ना है आपको, एक टोंग मिलता है, टोंग चिमटा जैसे होता है ना, ऐसे उसके दो सिरे होते हैं, उसके बीच में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो एक टोंग से मैग्नीशियम रिबन का सब पकड़ कर उसको क्या करना है, पास में लेके जाना है बर्नर के। ठीक है, जब हम बर्नर के पास लेके जाएंगे मैग्नीशियम रिबन के, तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बहुत तेज़ी से जलने लगेगा। ठीक है, और सिर्फ जलेगा नहीं, वो एक ऐसी फ्लैश लाइट, समझ रहे हो, बहुत तेज़ लाइट, वाइट कलर की बहुत तेज़ लाइट पड़ेगी किसमें, आपकी आँखों पर। एक ब्राइट लाइट पड़ेगी आपकी आंखों में, बहुत तेजी से जलता है मैग्नीशियम। ठीक है, और जब मैग्नीशियम जले और उसमें से ब्राइट लाइट निकलती है, तो हमें मैग्नीशियम को जलते हुए नहीं देखना है,
ऐसे खाली आंखों से अगर आप जलते हुए मैग्नीशियम को देखोगे तो आपको टेम्पररी थोड़े समय के लिए लॉस ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ साइट हो जाएगा मतलब क्या होगा, आपके आँख की रोशनी भी जा सकती है थोड़ी देर के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट देता है, एकदम फ्लैश चमकता है, जैसे जैसे जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है बारिश के टाइम पे तो कैसा फ्लैश पड़ता है, वैसे ही बहुत तेज सा फ्लैश आता है जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलता है तो, ठीक है। इसलिए जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करें तो आँखों में काले चश्मे को ज़रूर पहने, और हाँ डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन जल जाता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडर ऐश, किस कलर की, वाइट कलर की, ठीक है। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलता है, जलने के बाद वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, सफ़ेद कलर की पाउडर जैसी राख बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में आपको? तो ये क्या है, इसका मतलब ये है मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, वाइट ऐश के फॉर्म में होता है, ठीक है, वाइट पाउडर्ड ऐश के फॉर्म में मिलता है। चलिए अब हम मेथड देख लेते हैं कि किस मेथड के थ्रू हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम रिबन का क्या किया, को जलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो मेथड क्या थी हमारी, होल्ड अ टिप ऑफ अ रिबन नेक्स्ट टू द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, मतलब हमको रिबन को एक तरफ से पकड़कर बर्नर की फ्लेम के पास लेकर जाना है। द रिबन बर्न विथ अ ब्राइट वाइट लाइट, रिबन कैसे चलेगा, एक सफ़ेद कलर की लाइट के साथ जलना स्टार्ट होते हो जाएगा या स्टार्ट कर देगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डू नॉट लुक एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, हमने जलते हुए जलते हुए मैग्नीशियम रिबन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टेम्पररी लॉस ऑफ साइट हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फाउंड इन एयर टू फॉर्म अ पाउडर्ड ऐश कॉल्ड अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कह रहा है कि जब भी मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और बहुत तेज़ी से जलने लगती है, और जलने के बाद क्या बनाती है, पाउडर्ड ऐश बना देती है, जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस राख का नाम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मैग्नीशियम है क्या। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो, मतलब अगर जिसमें एक बार आग लग जाए तो उसके आग को बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम, जलते हुए मैग्नीशियम में पानी डाल दोगे तो आग बुझने की बजाय और ज़्यादा जलने लगेगी। ऐसा क्यों, इसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और पानी में क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम पानी डालेंगे मैग्नीशियम, जलते हुए मैग्नीशियम पे, तो क्या होगा, आग और ज़्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी, बुझने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर मैग्नीशियम इतना खतरनाक है तो उसको यूज़ क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम को यूज़ करने का कारण है कि पहला तो ये बहुत ज़्यादा हल्का मेटल है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा कैसा है, हल्का मेटल है, ठीक है, लाइट वेट है, लाइट वेट, करेक्ट। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें कभी भी क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगती, या जंग नहीं लगती को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रस्टिंग नहीं होती, ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होती,
यही रीज़न है कि मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आज हमने क्या पढ़ा है। आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।